पाकिस्तान सेना और उसकी बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा भारतीय जवानों को धोखे से मारकर उनके शवों के साथ की गई बर्बरता को लेकर बुधवार को पलिया तहसील के वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित वकीलों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वकीलों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में पलिया बार एसोसिएशन के वकीलों का कहना है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता, तब तक वह अपनी गंदी करतूतों से बाज नहीं आएंगे। पलिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री द्विवेदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब देश की सरकार को आतंकी देश पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। एसोसिएशन के महामंत्री सतीश सिंह ने पाकिस्तानी सेना को गीदड़ करार। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जवान हमेशा पीठ मारी करते हैं, उनमें वह जिगर नहीं है कि वह सामने से आकर भारतीय सेना का सामना कर सके। पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा हमारे सेना के साथ में जो धोखे से हमला किया गया और शव के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, उससे हम सब आक्रोशित हैं और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए सरकार से मांग करते हैं कि जैसे को तैसा सठे साठ्यम समाचरित की भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी इस नीच और कायराना हरकत का उनको सबक सिखाया जा सके।